आज के प्रदर्शन में 5000 से ज्यादा युवा मौजूद थे। हमारा गलती क्या था? हम ममता बैनर्जी से और उनकी सरकार से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस का मांग हम कर रहे, ये हमारा गलती है। 2016 से आज तक एसएससी में नोटिफिकेशन भी नहीं आया है भर्ती करने के लिए। लाखों संख्या में प्राइमरी हायर एजुकेशन में लाखों संख्या में आज तक वैकेंसीज खाली पड़ा है, और जब एंट्रेंस एग्जाम्स होता है और उसका रिजल्ट बाहर आता है, एग्जाम के रिजल्ट में मेरिट लिस्ट में जो नाम होते हैं और बाद में जिसका भर्ती होता है, उन दोनों में बहुत फर्क होता है। रैंक किसी का आता है, भर्ती किसी और का हो जाता है। जैसे सुकांता दा ने बताया, यहां के टीएमसी के विधायक, उनके लेटर पैड पे उनके चमचाओं का, उनके गुंडों का नाम रेकमेंड कर देते हैं और उन लोगों का भर्ती हो जाता है। और जो युवा, आम युवा, जिसको ये राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे युवाओं को जो इन एग्जामिनेशंस को सक्सेसफुली अटेम्प्ट करने के लिए, पास करने के लिए महीनों तक हर दिन 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, ऐसे लाखों युवाओं को उनका पूरा जिंदगी खराब हो जाता है। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई उन युवाओं के प्रति है, उन युवाओं के पक्ष में लड़ाई है।